के प्रख्यात समाज सेवक और मेरे छोटे भाई, मेरे बहुत अजीज और चार पंक्तियां इनको देना चाहूंगा कि नहीं डरते जो तूफानों से अगर उठी में रखते हैं, लुटाए जान के रोह पर वही हर दिल में बसते हैं, रिश्ता हो नहीं सकता, उड़ा दे फूंक से पर्वत वही इतिहास रचते हैं। ऐसे मेरे भाई नवीन गोयल जी, चलाना कोई छोटा काम नहीं है, पांच पॉली क्लिनिक चला सकते हैं, धार्मिक यात्रा करवा सकते हैं, करवाने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन इच्छा शक्ति है। मोटानी साहब, सुनेर जी, अनुराधा बहन, सबको साथ लेके चलेंगे, सबका मान सम्मान करेंगे, सब लोगों के काम आएंगे, किसी का कोई काम पड़ा आपका भाई हमेशा खड़ा पाया कि नहीं पाया, और आगे भी काम करेंगे। हॉस्पिटल बनाना है, शीतला माता का मंदिर बनाना है, बस स्टैंड बनाना है, ऑटो मार्केट बनानी है, जो गंगागिरी कुटिया है ना उसके सामने बनानी है, ट्रांसपोर्ट नगर बनाएंगे, हमारी बहनों को नौकरी लगवाएंगे, हमारे भाइयों को भी घर पर खाली नहीं बैठना, जो पढ़ लेते हैं कई बार आंटियां रोक देती हैं, नहीं जॉब नहीं कर रही, कोई बुरा नहीं है, जॉब करेंगे सीखेंगे, जॉब करेंगे कुछ नॉलेज बढ़ेगी, कुछ रिलेशन बढ़ेंगे, गुडविल बढ़ती है, आपकी नॉलेज बहुत बड़ी कीमत होती है, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। आपको इतना कहना चाहता हूँ, थोड़ा गला खराब है लेकिन दिल में एक ही भाव है कि मेरा गुड़गावा विकसित हो, मेरा गुड़गावा उन्नत हो, मेरा गुड़गावा का विकास हो। आप सब 5 तारीख का दिन याद रखना, 12 नंबर का निशान याद रखना, और 12 नंबर का निशान, एक दर्जन में केले कितने होते हैं, एक घड़ी में अंक कितने होते हैं, और शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग कितने हैं, तो आप 12 नंबर ओम नमः शिवाय बोल के आप बटन दबा देना। ये आपसे करता हूँ अरदास, हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का। आपको कहना चाहता हूँ कि अपने गुड़गावा को नंबर 1 बनाने का करूँगा बेहतरीन प्रयास, और हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का। ये मदनपुरी और मोहन मदान भट्टे वाले कितना बढ़िया आर्किटेक्ट था, वो आदमी 11 गली बनाई, 11 की 11 सीधी और बीच की कुछ चौड़ी गली, उस आदमी का दिमाग सही था, उसने डिजाइन 50 साल आगे का किया था, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई, थोड़ा भीड़ भड़ाका रहता है, और 3 गली उसने बड़ी बनाई, 3 नंबर 5 नंबर और 9 नंबर, ऐसा ही है ना, वो आदमी डिजाइन उसने अच्छा किया था। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ बन गया, लेकिन आपका सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सफाई, और कुछ बच्चे गुंडागर्दी करते हो वो भी ख़त्म कर दूंगा, जो पार्क है उसको भी अच्छा कर देंगे साहब, आपके मंदिर हो गए, जो भी काम हम कर सकते हैं, आपको सरकार की जो पॉलिसी है उनका भी लाभ दिलवाएंगे टाइम से। और एक बार यहाँ पर उपस्थित तिलकराज बंगा जी, हमारे एससी समाज के बड़े नेता भाई सुमेर सिंह प्रवर जी, श्रीमती अनुराधा जी, हमारे भाई एक बार राजकुमार पठानी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ जी, और जीतू प्रधान जी मेरे मित्र, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमारे एससी समाज के नेता महेश सारवन साहब, मनोज गर्ग जी, नंदलाल बाल्मीकि जी, भाई साहब छन्नलाल जी, वेद प्रकाश जी,
श्यामलाल जी, आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय राजकुमार जी, कोई हूँ सब जानता नहीं, एक बार दस दो नाम की कोई लौट नहीं। सुनो सुनो, यहाँ पर बिरवानी भी मिलेंगे, वर्मा भी मिलेंगे, मदान भी मिलेंगे, बत्रा भी मिलेंगे, सरोजा भी मिलेंगे, आहुजा भी मिलेंगे, गांधी भी, अखांडी तो थोड़ा दोस्त है। दोस्तों एक बार हाथ उठा करके एक बार विश्वास दिला दो, 80% वोट दिलवा दोगे, बूथ पे इतने लोग यहाँ बैठे मिलेंगे आपको, एक बार सारे बूथ पे बैठ जाओगे जी, बताओ एक दिन में समय दे दोगे मेरे को, और पीली चुन्नी पहन के आ जाओगे, मैंने पीला सूट नहीं बनवा लेना, ठीक है। और यहाँ बैठना जी, और सबको अपील करना कि हमारे गुड़गावा के लिए अब की बात नवीन भाई को बना दो, और कांच का गिलास का बटन हार्दिक गुलाटी भाई, एक तो कुछ साउंड की जिम्मेदारी ले ले, आज से 3 तारीख तक बिफोर टाइम चलो, साउंड हर जगह हल्का मिलता है, साउंड ऐसा होना चाहिए कि जिस चौक पर गंदगी पड़ी है ना, समझ गए मांगे कह रहा हूँ, समझ गए, जो आदमी अपने ऑफिस के आगे की गंदगी नहीं उठा सकता, जो आदमी 5 साल आपके बीच में नहीं आ सकता, दोस्तों उसको वोट का अधिकार नहीं है, नहीं है। और कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर 2 ट्राली लगाई जाए, 7-7 उठा करके 7-7 डाला जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है। जब सरकार की हड़ताल थी ना, तो आप लोग मेरे साथ थे, हम हर घर घर में गए थे धीरज जी। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि चल पड़ा हूँ निष्काम पथ पर, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, लक्ष्य एकमात्र गुड़गावा की तरक्की का है, उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। उठाओ दोनों हाथ, एक बार कह दो कि मोर लगेगी, फूल पर ना हाथ पर मोर लगेगी, जात पर ना पाप पर मोर लगेगी। देखो कितना प्रेम है मदनपुरी से, रोज एक चक्कर मदनपुरी में लग जाता है, इतना बड़ा गुड़गांव है, लेकिन हरियाणा में कहावत है कि ओढ़े बोढ़े नीम तड़े, मैं तो घूम फिर के फिर ही मन लगता है, रोज यहाँ से गुजरता हूँ हनुमान जी के मंदिर में शीश झुका करके 3 नंबर गली में से, और ये गांधी जी वहाँ शेटरिंग की दुकान पे उधार मांगते हुए पैसे गिनते पाते हैं, वहाँ सामने किसी के पैसे नहीं छोड़ते। तो दोस्तों आज इतना ही, और आपके जो भी कोई काम हो, एक बात और कहना चाहता हूँ, 8 तारीख से ही, 9 तारीख से ही आपकी स्ट्रीट लाइट ठीक होनी शुरू, आपके सीवर के ढक्कन शुरू, आपका सीवर शुरू, 9 तारीख से ही काम शुरू कर देंगे जी। और सुनो जी, जो अधिकारी आपके फोन नहीं उठाते ना, उन अधिकारियों को यहीं लेकर के आऊंगा, जितना 20 साल में काम नहीं हुआ उतना अगले 5 साल में, बाबा आप सबके आशीर्वाद से काम करना है। और एक बार जोरदार ताली हरियाणा गौरव सुनील जी, और जो हमारी बहन जिन्होंने आर्य समाज के भजन सुनाए, एक बार इस बहन के लिए भी जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए भजन सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद।